पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। गढ़वा जिला अंतर्गत डंडई प्रखंड के रारो गांव के निवासी एनुद्दीन अंसारी का खपरेल मकान में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों के टेंट सामग्री जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने धुआं देखकर स्थल पर पहुंचे और किसी तरह से आग पर काबू पाए। ग्रामीणों के द्वारा इस घटना से 2.5 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है। भुक्तभोगी एनुद्दीन अंसारी ने बताया कि हम घर पर नहीं थे, घर आते ही देखा कि घर में अचानक आग लगी है। उसने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि टेंट की सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। मौके पर मौजूद रारो पंचायत के समाज सेवी जितेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि भुक्तभोगी एक पैर का दिव्यांग व्यक्ति है, किसी तरह से टेंट का काम कर अपने घर परिवार का जीविकोपार्जन चलाता था। उसको आग लगी की घटना से काफी नुकसान हुआ है। घटना से भुक्तभोगी का पूरा परिवार काफी सदमे में है और उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा है। उन्होंने भुक्तभोगी को विभाग से हर संभव मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। साथ ही समाज सेवी जितेंद्र कुमार ठाकुर ने भुक्तभोगी को सहयोग के रूप में 10,000 रुपए देकर सहयोग करने का घोषणा किया। कैसे हुआ, कैसे मालूम चला आपको? हम सुबह उठे तो गए थे राजेश गुरु जी के पास कपड़ा लेने, वहाँ से आए दुकान में हिलने, तो दुकान में हिलने के बाद देखो तो लाइन कटल था, तो आया था एक आदमी तो टेंट का सामान लेने, तो बोले कि हमको टेंट चाहिए, तो हम कपड़ा निकालने के लिए जब यहाँ तालाब खुलवाए तो देखा कि इसमें आग अटक रहा। अच्छा, मैंने आपको क्या लग रहा है, मैंने क्या चीज़ से मैंने आग लगा होगा? पता नहीं चल रहा है किस तरह से लगा। कितना का नुकसान हुआ है आपका? लमसम 2 से लेकर 2.5 लाख। अच्छा, मुख्य रूप से क्या क्या सामान था आपका? टेंट का कपड़ा था, तीन टेंट के टेंट सामग्री था। अच्छा, कौन सा गांव है ये? रारो। क्या नाम हुआ आपका? आइनुद्दीन अंसारी। आज इस रारो के अंदर जो घटना घटी है यह दर्दनाक घटना है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैं चाहूंगा, निवेदन है, गुजारिश है कि यह एक विकलांग होते हुए यह आदमी टेंट चला करके जीवन गुजर बसर कर रहे थे, इनका तत्काल मुआवजा देने का प्रशासनिक दृष्टिकोण से दिया जाए ताकि यह गुजर बसर सुचारू से चला सके। और इस आदमी को तत्काल मैं गरीबी देखते हुए और विकलांग देखते हुए मैं अपने तरफ से 10,000 रुपये मौजा के तौर पर सहयोग राशि मैं देने के लिए मैं घोषणा करता हूं। मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार ठाकुर, समाज सेवी।